ये देखो बर्फ जम गई है सीट पर चंद्रताल में। यूपी 11 सहारनपुर से स्प्लेंडर पे आए हैं यहाँ पे। बड़ी हिम्मत है लोगों में यार। सुबह सुबह का टाइम है, लोग निकलना शुरू हो गए हैं अपनी बाइकों को स्टार्ट कर करके, और हम भी निकलेंगे अब जल्दी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है यार। धूप में खड़े हैं लेकिन फिर भी इतनी ठंड हो रही है, हाथ वाथ पूरे सब गले जा रहे हैं। बेटर ये है कि हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और बढ़ते हैं काजा की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो आ रही है गैजेट्स को चार्ज करने में। कैमरा है ये भी थोड़ा सा ही चार्ज हो पाया, क्योंकि यहाँ पे सोलर से चार्ज हो रहा है और सभी लोग अपना चार्ज करना चाहते हैं, तो बारी बारी से सबका चार्ज होता है। मोबाइल भी अभी चार्जिंग पर लगा हुआ है, पता नहीं कितना चार्ज होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ से निकलते हैं काजा की तरफ, काजा में स्टे करेंगे, चीज़ों को चार्ज करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और फिर हम बाकी चीज़ों को भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। बहुत अच्छी जगह थी, स्टे अच्छा हुआ, बस क्योंकि अब ये वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम होता जा रहा है यहाँ पर। इवन गवर्नमेंट भी यहाँ से लोगों को बोल रही है कि आप सब नीचे जाइए, क्योंकि 6 तारीख से यहाँ पे हैवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है। पैक करते हैं, सामान लाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, 8:30 बज गए। वेंकट अब हमें छोड़ के जा रहा है यहाँ से मनाली की तरफ और मैं बढ़ूँगा काजा की तरफ। तो आज से फिर मैं सोलो ट्रैवलर शुरू करता हूँ। ऑल द बेस्ट वेंकट। थैंक यू। विल मीट इन फ्यूचर। हम कभी प्लान करेंगे एक बड़ी राइड टूवर्ड्स लद्दाख। लेट्स स्टार्ट। तो ऑलमोस्ट पूरा कैंप जो है वो खाली हो गया है। कुछ लोग चले गए हैं चंद्रताल लेक विजिट करने और कुछ वापस मनाली की तरफ, और हम चल रहे हैं अब काजा की तरफ। जय बजरंगबली। ओके जी, फिर मुलाकात होती है। तो भाई आए थे दो लोग, जा रहा हूँ अकेले, जीवन का नियम है। खैर कोई नहीं, बर्फ़ जमी हुई है सड़कों पर। ओहो हो, और पानी तो क्या गजब ठंडा है। तो अभी फ़िलहाल 40 किलोमीटर हमें ऐसे ही रोड्स पर चलना है, ऑफ रोडिंग, और फिर उसके बाद जो है लोसर आएगा, स्पीति वैली का एक छोटा सा गांव है, वहां से फिर हमें रोड अच्छी मिलेगी ऐसा कहा गया है। बाकी चलते हैं तो पता चलता रहेगा। ये जो रोड है ये अच्छी हो गई है, तो जो लोग आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले आए होंगे तब यहाँ पे बिल्कुल शायद रोड ही नहीं रही हो, तो उस हिसाब से देखते हुए रोड काफ़ी अच्छी हो चुकी है। बस हाँ, ऑफ रोड है तो उसके चैलेंजेस अपने हैं, अदरवाइज इट इज़ मच बेटर। कच्ची रोड है, बट जब हम मनाली से आते हैं और मनाली से खासकर वो चाचा चाची वाला जो ढाबा आता है, खोक्सर जो पड़ता है, वहाँ तक तो रोड सच में ख़राब है। वो तो मतलब बिल्कुल बोल्डर्स के ऊपर चलाना होता है, और ये जो पहाड़ियाँ है ना बर्फ़ से ढकी हुई, वाह शानदार। ये हम लोग शायद आ चुके हैं ऊपर टॉप पे कुंजम पास के, देखते हैं क्या है। ये है कुंजम पास, ऊंचाई 4,590 मीटर, काजा 78 किलोमीटर, लोसर 19 किलोमीटर। आज चक्कर लगा के आते हैं। कुंजम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। कुंजम पास शानदार, ये बर्फ है, वाह। माँ कुंजम, अरे
अच्छी रोड शुरू हो गई, ऑफ रोड लगभग खत्म हो गया है अब। ओ और ये अच्छी रोड आते ही क्या मजा आ रहा है, मतलब अब मैं पहाड़ों को देख सकता हूँ। पहले मैं नीचे पत्थरों को ही देख रहा था, अब मैं ऊपर पहाड़ों को देख सकता हूँ। वाह, लगता है लोसर जो है वो आने वाला है, 2-4-5 किलोमीटर होगा लोसर। अगर देखो रोड ऐसी रहती है तो डिस्टेंस कवर करने में कोई दिक्कत नहीं आती, और अगर रोड वैसी है ऑफ रोड वाली तो उसमें डिस्टेंस कवर करने में समय बहुत लगता है। ग्रे, येलो, ग्रे, वाइट, बहुत सुंदर। इनमें कुछ दिनों में फूल आ जाएंगे, जब फूल आएंगे तो वो थोड़े से रेडिश होंगे तो और अच्छे लगेंगे। ये है लोसर, यहाँ पर रुकने के काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह हैं, पर अभी से 10:30 बजे तो हमें यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये है स्पीति वैली, बिल्कुल सीधी रोड है, पहाड़ हर तरफ चारों तरफ, और ये बीच में सीधी रोड। पहुंचा है हम लोग काजा, वो है सामने काजा शहर बसा हुआ, और ये काजा की पहाड़ियाँ हैं। पिछली बार आए थे काजा तो भी हमें पहाड़ियों से पहचान आ रही है। तो लगभग 3 घंटे लगे हमें चंद्रताल से और काजा पहुंचने में। रोड काफ़ी अच्छी थी, गुड रोड। ये सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब शुरू हो गए हैं, क्लिफ पैलेस, वेलकम कुंगा होटल। लास्ट टाइम अपन लोग यहाँ रुके थे, भैया रूम मिल जाएगा क्या? ये वाला कितने का पड़ेगा? ये 1200 का। तो लगातार चलने में कोई मजा नहीं है। आज जो हम लोग रुके हैं ना यहाँ पे, हम लोग मतलब मैं और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, हम सारे लोग आज काजा में रुके हैं। तो आज हम जो काजा में रुके हैं ये एक बहुत ज़रूरी हॉल्ट था, और आज हम रुके हैं, कल भी हम रुकेंगे, और कल हम करेंगे काजा के आसपास की जितनी भी साइट सीइंग है, जैसे कि किब्बर, छिछम और की मोनेस्ट्री, हिक्किम, लांगजा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम कल कवर करेंगे। आज हम लोग का आराम का दिन है, आराम का दिन मतलब कि जो वीडियोस हैं उनको एडिट करके अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डाटा है वो धीरे धीरे लूज़ होते जा रहा है और हमें वो डाटा लूज़ नहीं करना है। काजा में बहुत ही बढ़िया स्टे है, आपने देखा ही बाहर से और अंदर से भी आप देख ही रहे हो। ये रूम है, ये काफ़ी कोजी रूम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस रूम में, वो है क्या? इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल होने का कितना फ़ायदा होता है यार, पानी नहीं पी पाता, इतना ठंडा पानी मतलब उसको पीने में भी, और जो गर्म पानी मांगा तो वो इतना गर्म होता था कि उसको मतलब ठंडा तो बहुत ही ठंडा, गर्म तो बहुत ही ठंडा। खैर एनीवेज, ये सारी चीज़ें होती है पहाड़ों की जो हम लोग मज़े करते हैं, यही सारे तो मोमेंट्स होते हैं जो हम याद रखते हैं और फिर से दोबारा इन पहाड़ों पे आने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं कल ऑन द वे टू साइट सीइंग ऑफ स्पीति। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।